होगा कि यार गुजरात ने अपने आरक्षण की लड़ाई शुरू की और वहां से डायरेक्ट किसानों की लड़ाई कुछ समझ में नहीं आ रही। आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई स्वाभाविक है, लेकिन जिस पेट से मैं जन्मा हुआ किसान के पेट से हूँ और स्वाभाविक रूप से जब किसानों की बात आती है तो मुझे किसानों के लिए लड़ना चाहिए। जब गोलीकांड हुआ उसके शायद 2-3 दिन के बाद तुरंत आने वाला था, लेकिन उस टाइम में कसाब था कि मुझे मंदसौर के और नीमच के बॉर्डर पर रोक लिया गया। उसके बाद नारायणगढ़ के अंदर एक बड़ी किसान रैली महंत पाटीदार ने आयोजन की थी और कमाल की रैली थी, कम से कम 50,000 लोग वहां पर आए थे। बात ये हो रही है कि यार किसानों की बात करते हैं, किस प्रकार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आए तो किस मुद्दे पर आए, ये सारी चीज आपके लिए जरूरी होगी जानना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि किसानों का कर्ज माफ हो और किसानों का राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए, जो राष्ट्रीय आयोग किसानों के लिए हो, उसमें किसानों की सारी सूची और नीति के साथ उनका विकास हो, उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो किसी गवर्नमेंट की, इस प्रकार का आयोग की हम मांग करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में गलत लोगों पर जो मुकदमे लगाए गए वो वापस लिए गए, स्वाभाविक तौर पर गवर्नमेंट वापस नहीं लेने वाली, क्योंकि गुजरात के अंदर भी ये नहीं किया था क्योंकि हम पर देशद्रोह के केस लगा दिए। लेकिन इतनी जरूर बात कहेंगे कि अगर आंदोलन मजबूत करेंगे, अगर आंदोलन चालू रहा तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ की गवर्नमेंट जरूर दबाव में आकर किसानों को लुभाने की कोशिश पर केस वापस ले सकते। गुजरात के अंदर हमने एक बात कही थी किसानों के हितों में, किसानों को पेंशन मिलना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब 50 साल तक जॉब करता है, बहुत भ्रष्टाचार होते हैं, बाद में उसको पेंशन मिलता है, तो किसानों को भी कम से कम 50 साल के उम्र के बाद अगर उसके पास 2 बीघा जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उसके आधार पर राष्ट्रीय आयोग की नीति सूची पर उसको पेंशन मिलना चाहिए।